वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ चिकन सैंडविच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस चिकन। इसको मैंने हाफ टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, हाफ टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट और हाफ टी स्पून सॉल्ट डालकर मैंने इसको बॉयल किया। बॉयल करके ऐसे शेडेड कर लिया, ये 20 मिनट में बॉयल हो जाते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए स्मॉल साइज की ओनियन। स्मॉल साइज की ओनियन को मैंने ऑमलेट टाइप कट कर लिया है। और गार्लिक चाहिए हमें 2 से 3 क्लोव, इसको फाइन चॉप कर लिया। हाफ कैरेट को मैंने ग्रेट कर लिया है। और स्प्रिंग ओनियन हमारे पास है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है। और हमें हाफ कैप्सिकम चाहिए, तो हाफ कैप्सिकम को मैंने ऐसे लंबे लंबे कट कर लिया। और हमारे पास बड़े साइज़ की कैप्सिकम थी तो मैंने हाफ किया है। आपके पास छोटे साइज़ की हो तो आप एक ले सकते हैं। और 2 ग्रीन चिली को मैंने ऐसे ऐसे लंबे लंबे शेप में मैंने कट किए। आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, आप नहीं डालें। और इसके लिए हमें चाहिए स्मॉल साइज के टोमेटो। और ये चाहिए चिकन के मैगी के क्यूब चाहिए एक, आपके पास हो तो आप डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और केचप चाहिए हमें 2 टेबल स्पून। और हमें चाहिए ये 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। और सैंडविच के लिए मैंने 4 स्लाइस ब्रेड लिया है। और ग्रीन चटनी, और ये लिया है कुकुम्बर, और ये चीज़ स्लाइस चीज़ चाहिए हमें। और मेयोनीज चाहिए हमें। और हमें ये चिकन बनाने में टमाटो पेस्ट मैं 1 टेबल स्पून डालूंगी, आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब हमारा फ्राई पैन हॉट हो गया है, अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। ये सबसे पहले मैं गार्लिक डालूंगी। गार्लिक को थोड़ा सॉटे करके और इसको मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे हम। अब मैं इसमें ओनियन डाल रही हूँ और ये ग्रीन चिली। ओनियन हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तब मैं इसमें कैरोट, कैप्सिकम, टमाटो सब डालूंगी। अब हमारे ओनियन सॉफ्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें कैरोट डालूंगी। कैरोट और टमाटो। मैं इसे टमाटो को सॉफ्ट होने तक इसको मैं सॉटे करूंगी। हमारे टमाटो सॉफ्ट हो गए हैं, अब मैं इसमें ये कैप्सिकम डालूंगी। कैप्सिकम के साथ साथ मैं ये चिकन की क्यूब डालूंगी। और मैं सॉल्ट इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं चिकन की क्यूब डाल रही हूँ। आप चिकन की क्यूब नहीं डाल रहे तो आप सॉल्ट यहाँ पे इस स्टेज पे सॉल्ट डाल सकते हैं। और ये स्पाइसेस डाल रहे हैं, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके तकरीबन टू से थ्री मिनट तक हम इसे सौते करेंगे। हमारे टमाटो, कैप्सिकम, कैरोट सब सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें टमाटो पेस्ट डाल रही हूँ। और क्वार्टर टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें केचप डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून केचप डाल रहे हैं।
केचप डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और कश्मीरी मिर्च मैंने कलर के लिए डाला है, आपके घर में हो तो आप डाल दें, नहीं तो नहीं डालें कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। और फूड कलर भी आप डाल सकते हैं, अगर आप पसंद करते हो तो फूड कलर डाल दें। ये मिक्स हो गया है, अब इसमें मैं चिकन डालूँ। चिकन डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि हमारे चिकन तो टेंडर है। मैंने अब चिकन को अपने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। और सब्जी को ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, क्योंकि सब्जी हमारे हैं ये हो जाएंगे, वेजिटेबल हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा इसमें क्रंच डालना चाहिए। और अब हमारा चिकन अच्छे से मिक्स हो गया वेजिटेबल के साथ, अब मैं इसमें स्प्रिंग ऑनियन डाल रही हूँ। स्प्रिंग ऑनियन को डालकर अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब हमारा चिकन रेडी है। अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ, हमारा चिकन रेडी हो गया। अब ये ठंडे हो जाएंगे, तब हम सैंडविच असेंबल करेंगे। हमारे चिकन अब ठंडे हो गए हैं, अब हम सैंडविच बनाते हैं। सैंडविच के लिए मैंने ब्रेड लिया है ब्राउन, आपके घर में जो ब्रेड हो आप वो यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें मेयोनीज लगा रही हूँ। अब मैं सेकंड ब्रेड में भी ये लगा रही हूँ मेयोनीज। हमारे लग गए हैं, अब इसमें मैं चिकन लगाऊंगी। चिकन आप अच्छे से लगाएं, आपकी मर्जी, आपको जितना सही लगता है आप अपने हिसाब से लगा लें। मैं 2 सैंडविच रेडी कर रही हूँ, ये हो गया। और इसके बाद हम कुकुम्बर, कुकुम्बर के स्लाइस ऐसे फैला देंगे, लगा देंगे। उसके बाद हम चीज़ लगा देंगे और इस ब्रेड में मैं ये ग्रीन चटनी लगा रही हूँ। अब इसके बाद मैं ऐसे इसको रख दूंगी। हमारे तवा हॉट हो गए हैं, अब मैं इसमें बटर लगा रही हूँ। बटर लगाने के बाद अब हम इसमें इस पर सैंडविच रख देंगे, सैंडविच रख देंगे। और इसको 1 से 1.5 मिनट तक वन साइड से सेकेंगे, और 1.5 मिनट हो जाएगा तब हम इसे टर्न करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक सेकेंगे, और 1.5 मिनट हो जाएगा तब इसे मैं टर्न करूंगी। हमारे 1.5 मिनट हो गए हैं, अब इस साइड मैंने बटर नहीं लगाया था, अब इस साइड मैं बटर लगा रही हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे 1 से 1.5 मिनट तक हमें वन साइड का सेकना है। अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ, फिर 1.5 मिनट के बाद इसको मैं हमारे सैंडविच रेडी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे सैंडविच कितने अच्छे से सिके हैं, गोल्डन और क्रिस्पी भी हो गए।
और हमारे 1.5 मिनट हो गए थे, पर अब मैं इसे निकाल रही हूँ। हमारे सैंडविच रेडी हैं, अभी से मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। आप सुन सकते हैं ये हमारे सैंडविच कितने क्रिस्पी हुए हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हैं और छोटी मोटी हल्की फुल्की भूख में भी बना सकते हैं। मैंने कट कर लिया है सैंडविच को, अब आप देख सकते हैं हमारे सैंडविच को कितने क्रिस्पी हैं और ब्राउन भी हो गए। हमारे सेकेंड सैंडविच को मैंने चिकन लगा दिया था और ये कुकुम्बर ऐसे असेंबल कर दिया है। चीज़ डाल दिया, चीज़ लगा दिया मैंने। अब मैं ये जो ऊपर से ब्रेड हम लगाएंगे इसमें मैं ग्रीन चटनी, धनिया की चटनी, इसको हम ऊपर से ऐसे लगा देंगे। अब हम इसको तवे पे रखेंगे। अब हम सेकंड सैंडविच तवे पे डालेंगे बटर लगाकर। अब हम इसे 1.5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकेंगे। जैसे हमने फर्स्ट सैंडविच सेका था वैसे ही मैं इसको भी, मैं सेकेंड सैंडविच को भी सेक लूँगी वन साइड से 1.5 मिनट। फिर इसको वन साइड हो जाएगा तो फिर टर्न करके दूसरे साइड से भी मैं सेक लूँगी। और मैं इसे तवे पे सैंडविच बना रही हूँ, आप सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं। ये लीजिए हमारे टेस्टी एंड हेल्दी चिकन सैंडविच रेडी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाएं या इवनिंग स्नैक्स में एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दावती किचन। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।